बाजी ये सेवेंथ हम अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है मैं आ रहा हूँ ह्यूस्टन ऑन सैटरडे 5 अक्टूबर एट NRG अरीना। आपसे मुलाकात होगी, बुक योर टिकट्स ऑनलाइन राइट नाउ। कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जाऊंगी तुम यहां से, हमें छोड़ के यहीं रहूंगी। अच्छा रही हूँ, मेरी एक बात गौर से सुनो, तो अब मेरे रास्ते में मत आना और ना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। शादी करोगी मुझसे? मगर आप ही, आपको फिर भी दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको पता है बाज दफा रिपोर्ट्स भी गलत हो जाती हैं। नहीं होता ऐसे फारिया, आप ही मेरा यकीन करें, बहुत सारे डॉक्टर से भी गलती हो जाती है। इनफैक्ट मैंने खुद इतने सारे इंसिडेंट सुने। इसने तुम्हें प्रपोज किया? इसने? तुमने क्या कहा? हाँ ठीक है, इसने किया बोलो। से आप ज्यादा प्यार करती हैं ना, उनके भाई जैसा है, आमिर भाई। अक्सर ऐसा हो जाता है कि रिपोर्ट्स में कुछ मिस्टेक आ जाती है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो क्या करना चाहिए मुझे? मैंने आपकी रिपोर्ट्स का ब्रीफली सब कुछ चेक किया है, इसमें मुझे सच कोई ऐसा इश्यू नजर नहीं आ रहा। आपको किसने कहा है कि आप कभी माँ नहीं बन सकती? वो थी कोई वो जानने वाली। हो सकता है कि उनको कोई गलती लगी है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं कि आप माँ नहीं बन सकती। तो मैं क्या करूँ? मेरे ख्याल से आपको आज से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, आप उनको यूज करें। थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते आऊंगा। थैंक यू। देखा आप ही, मैं आपसे कहती थी ना कि किसी और डॉक्टर के पास भी जाकर देखें। यूबिन, कब से आ गई तुम में इतनी अकल? बस दुनिया के रंग देख देख कर आ गई। अरे यू टू यंग फॉर दिस, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत किया कर। अच्छा आप ही? हाँ, रुक क्यों गई हो? आप ये डॉक्टर वाली बात आमिर भाई को नहीं बताएगा? क्यों? उन्हें सरप्राइज दीजिएगा ना, जब आपका इलाज कामयाबी से हो जाएगा तब आप देखिएगा उन्हें आपसे ज्यादा खुशी होगी। बस अल्लाह करे सब अच्छा हो जाए फारिया। इंशाल्लाह आप ही, सब कुछ ठीक होगा, आप देखिएगा। फिर मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाऊंगी बस। नहीं नहीं। क्यों? मेरा मतलब है मुझे अम्मी बाबा के पास रहना है ना, मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। भाई बड़ी तुम अम्मी अब्बा की लाडली। चलो, तुमने मीरब से क्या बात की है? किस बारे में आपी? दुआ के बारे में। तुमने वही सब कुछ उसे कहा है जो मैंने तुम्हें कहने के लिए कहा था? नहीं, मैं वैसा कुछ भी नहीं कह सकता था। हसन, मैंने तुम्हें उसे समझाने के लिए कहा था। पता नहीं तुमने उसे क्या पट्टी पढ़ाई है कि वो दुआ से बदजन होने के बजाय उसे प्रपोज करके आ गया। जानता हूँ। तो इसका मतलब तुम भी मीरब वाली सोच रखते हो। मैं ये कैसे भूल गई कि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, वो तुम्हारी ही बोली बोलता है पहले। आप रिलैक्स हो जाए। अगर तुम ये सब कुछ नहीं बोल सकते थे जो मैंने तुम्हें कहा था, तो अपनी तरफ से क्यों समझाया उसे? सॉरी, गलती हो गई। गलती नहीं हुई हसन, तुमने साजिश की है। मेरे नजदीक तो ये गलती भी नहीं है, क्योंकि मुझे इन सब में कोई बुराई नजर नहीं आती। ऑफ कोर्स, जिसका कोई घर बार ही ना हो, खानदान ही ना हो, सारी जिंदगी तो तुम अपने मामू के घर रहे हो, तुम्हें क्या पता कि इज्जतदार घरानों का रुतबा क्या होता है? अगर इज्जतदार घरानों के रुतबे इतने ही बुलंद हैं कि वो बाकी सबको नीच और घटिया समझते हैं, तो मुझे खुशी है कि मैं किसी इतने बड़े इज्जतदार घराने से ताल्लुक नहीं रखता।
ये तुम अपनी जात पे फखर नहीं कर रहे, अपनी महरूमियत की शिकायत कर रहे। निमशा आप ही, आप तो वाकई नफ्सियात की काबिल डॉक्टर हैं। मैं तुम्हारा इस रिश्ते में साथ नहीं दूंगी मीरब, तुम मुझे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इमोशनली ब्लैकमेल? आप में इमोशंस हैं आप? ये क्या बात की है तुमने? नहीं, कभी रात की तन्हाई में खुद को देखने की कोशिश की आपने? पत्थर की हो चुकी हैं आप। दुआ के प्यार में तुम मोम के हो गए हो, इसलिए मैं पत्थर की लग रही हूँ। आप तो इस घर की सबसे पॉजिटिव पर्सन है ना, हर रोज अम्मी को लेक्चर देती रहती हैं कि लोगों की बुराइयां मत देखें, पॉजिटिव साइड देखें। फिर आपको क्या हो गया? किताबों की पॉजिटिव हकीकी दुनिया सब खत्म होगी, सब भूल गई आप। पता है, अगर ये बातें तुम खुद से कर रहे होते तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन वो दुआ, उसके पीछे जिसे मोहब्बत की हुई तुम्हें सिर्फ कुछ दिन हुए, बहन भाई की मोहब्बत भूल गए हो। यू नो व्हाट, मेरी बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन दुआ की चंद महीनों की मोहब्बत में ना मुझे आपकी और अपनी सालों पुरानी मोहब्बत में ना झोल नजर आया। ये सब मैंने तुम्हारे फायदे के लिए किया था। तुम्हें अच्छा लगेगा कल तुम्हारी बीवी पे कोई उंगली उठाए? नहीं, शायद मैं बर्दाश्त भी ना कर सकूं, लेकिन दुआ की पुरखलूस मोहब्बत मुझे ऐसी आवाजें सुनने ही नहीं देगी। दुआ 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 क्या कर दिया उस लड़की ने? आपने सलमान भाई पर सालों तक नहीं किया। इत्तेफाक की बात है कि आज सलमान भाई मुझे मिले भी थे, और एक खबर भी है आपके लिए, वो किसी और के साथ है। क्या बोल रहे हो तुम? वो आपके साथ रिलेशनशिप खत्म करना चाहते हैं। ये जो आप इतना पॉजिटिव बनने की कोशिश करती हैं ना, असल में आप हैं नहीं, तो प्लीज फॉर गॉड सेक्स पॉजिटिव बनकर दिखाएं, वरना आपकी ये मुनाफ़कत जो है ना, आपकी जिंदगी को ले डूबेगी। बोलो फारिया। फहाद राहिल सब कुछ जानता है, मैं अकेली नहीं हूँ, वो सब कुछ जानता है। तुम्हें यकीन है कि राहिल सब जानता है? हाँ, उसने दुआ के सामने खुद आमिर भाई का नाम लिया। फहाद क्या सोचने लगे? अगर वो जानता है तो ये और परेशानी की बात है। मतलब यही कि वो अपने बाइलिम होने की सजा भुगत रहा है। ओह माय गॉड, मेरी मानो तो इन सबसे पीछे हट जाओ फारिया। कैसे फहाद, कैसे पीछे हट जाऊं मैं इन सब से? मैं ठीक कह रहा हूं फारिया, इसे एक बुरा वाक्य समझकर भूल जाओ। यही समझ लो कि आमिर भाई पे कुछ लम्हों के लिए शैतान आ गया था, जिसके बाइस उन्होंने ये सब किया। फहाद, ये एक लम्हा मेरी बहन की जिंदगी तबाह कर चुका है। जब जब दुआ को देखती हूँ तो जो होना था हो गया फारिया। अब तुम्हारा बोलना आगे तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा करेगा। राहिल का हाल देखा है ना तुमने, और अगर तुम भी कुछ करोगी तो तुम समझ रही हो ना फारिया मैं क्या कह रहा हूँ। शायद तुम ठीक कह रहे हो, जैसे इंसान अपना एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है, ऐसे ही आमिर भाई अपना गुनाह छुपाने के लिए हजारों गुनाह करते जा रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि फारिया पीछे हट जाओ। मगर फहाद, मैं एक बार जरूर राहिल से मिलने जाऊंगी। अगर तुम अपनी तसल्ली के लिए मिलना चाहती हो तो मिल लो, लेकिन एहतियात से, आमिर भाई को इस बात का पता ना चले। ये जो आप इतना पॉजिटिव बनने की कोशिश करती हैं ना, असल में आप हैं नहीं, तो प्लीज फॉर गॉड सेक्स पॉजिटिव बनकर दिखाएं, वरना आपकी ये मुनाफ़कत जो है ना, आपकी जिंदगी को ले डूबेगी।
हाँ मैं गलत थी मीरा, और मैं गलत हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भी गलत किया और दुआ के साथ भी। क्या बात है, ऐसी कौन सी बात हो गई जिस पे इतना गुनगुनाया जा रहा है, मुस्कुराया जा रहा है? क्यों, मुस्कुराना मना है क्या? नहीं नहीं, मुस्कुराना क्यों मना होगा, लेकिन कोई बात तो होगी ना। बस दिल में आया कि ज्यादा मुस्कुराऊं, तो मुस्कुरा दिया। तुमने अपनी हालत देखी थी जब तुम डॉक्टर के पास गई थी? सही कह रहे हैं, मैं बहुत जल्दी मायूस हो गई थी। तो अब किस बात की उम्मीद है तुम्हें? आप ये डॉक्टर वाली बात आमिर भाई को नहीं बताएगा? क्यों, उन्हें सरप्राइज दीजिएगा ना, जब आपका इलाज कामयाबी से हो जाएगा तब आप देखिएगा उन्हें आपसे ज्यादा खुशी होगी। अल्लाह से उम्मीद है। चलो फिर तो ठीक। क्या बात है, क्या हुआ है? कुछ नहीं। क्यों, कभी तुम मीरब के कमरे में जा रही हो, कभी वो तुम्हारे कमरे में आ रहा है, वो तुम पे बोल रहा है, तुम उस पे बोल रही हो, क्या बात है, कुछ तो हुआ है? अम्मी आपने क्या खुफिया कैमरे लगाए हुए हम पे नजर रखने के? बेवा माँ को ना अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, करनी पड़ती है निगरानी उनकी। करें निगरानी फिर। क्या बात है, नाराज हो गया मुझसे? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे वो पहली मर्तबा नाराज हुआ है, वो तो अक्सर होता रहता है। हाँ लेकिन इस दफा मुझे महसूस हुआ कि गलती मेरी है, ना वो हमेशा मुझसे पहले सॉरी करते। तो इस बार तुम कर दो सॉरी। कर लूंगी जब उसका मूड ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं सोने जा रही हूं। अम्मी जहां मीरब कह रहा है आप उसकी शादी वहां कर दें। कर दूंगी, लेकिन बताए तो सही कि लड़की कौन है? बता दूंगी। तुम जानती हो कुछ उसके बारे में? मैं ज्यादा नहीं जानती। कैसी है? अच्छी है देखने में, प्यारी है? प्यारी है, सुलझी हुई है, पढ़ी लिखी है। तो बस ठीक है, और क्या चाहिए हमें? आप मीरब से बात कर लीजिएगा। रिमशा अम्मी जल्दी पराठा ले आए ना, मुझे अभी चेंज भी करना है फिर निकलना भी है। आ गई, ये लो भाई। अरे आज तो लगता है मेरी बेटी को बहुत ही भूख लग रही है। भूख लग रही है, रात को भी सही से कुछ नहीं खाया था। अच्छा तो बेटा रात को खा लेना था ना, मैंने जब बुलाया तो कहती खाना नहीं खाना। उस वक्त भूख ही नहीं लग रही थी। दोपहर में ऐसा क्या खा लिया था मेरी बेटी ने? खुशी के मारे भूख उड़ गई थी अम्मी। अरे किस बात की खुशी? वो
असल में प्रेजेंटेशन बनाई ना जो हमारे ग्रुप ने, तो हमें सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं। हाँ, बहुत ज्यादा मार्क्स। इनफैक्ट इनकी क्लास के स्टूडेंट्स इनके मार्क्स देखकर बहुत हैरान रह गए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बेटी लाइक भी तो बहुत है ना। मुझे क्यों लग रहा है कि कोई और बात है, ये प्रेजेंटेशन वाली बात नहीं है। और क्या बात हो सकती है पप्पू? भाई ये तो तुम दोनों को पता होगा ना। नहीं कोई बात नहीं है, खैर चेंज भी करना है तो मैं जाती हूँ। चलो पप्पू, कितना खाओगे आज? अरे बेटा नाश्ता तो ठीक तरह करो। कैंटीन से खा लेंगे ना कुछ ना कुछ। ठीक कह रही हैं आप, खा लेंगे। देख नहीं रही हो आज इतने अरसे के बाद मेरी बेटी के चेहरे पर सच्ची खुशी नजर आई है। दुआ तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गई थी। अल्लाह करे मेरी बच्चियों को किसी की नजर ना लगे। आमीन 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 आमीन। फारिया आ जाओ, फारिया आ गई आ गई। चलो अच्छा एक काम करना, तुम ना कॉलेज से घर मत आना, यूनिवर्सिटी आ जाना मेरी। क्यों? नीरव से मिलवा दूंगी। ठीक है, मगर दुआ मुझे तो आज कहीं जाना है। कहाँ? वो मेरा सारा के साथ ना बाहर खाने का प्लान बना है। तो उसको भी साथ ले आओ ना, अच्छा हो जाएगा। नहीं दुआ, फिर कभी सही, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सारा से मिलने जा रही हो या फिर उसके भाई से? सारा से ही मिलने जा रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, फिर कभी सही। देर हो गई है काफी, आ जाओ। मेरा जी बैठो जरा। क्या हुआ? रमशा बता रही थी कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़की है और तुमने फैसला कर लिया कि अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारोगे। जी यानी मैं जिंदगी में अपनी औलाद की कभी दोस्त ना बन सकी कि वो अपनी बातें मुझसे शेयर कर ले। सलमान की बात मुझे मीरब के मुंह से पता चली और अब तुम्हारा किस्सा रमशा के मुंह से। अम्मी हम काम की बात कर ले। काम की ही बात कर रही हूँ। वैसे तो मुझे रमशा ने बता दिया है कि लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी सुलझी, लेकिन ये नहीं बताया कि किस खानदान से है। मामा जब लड़की में कोई बुराई नहीं है तो उसके खानदान से क्या गर्ज? तुम्हें नहीं है लेकिन मुझे जरूर है। अब रमशा का भी रिश्ता खानदान से बाहर कर दिया है और तुम्हारा रिश्ता भी खानदान से बाहर कर दूं, जबकि खानदान में इतने रिश्ते मौजूद हैं, बहाने बहाने से लोग बात करते हैं, तुम्हारा और इसका रिश्ता बाहर करने की कोई तो वजह होनी चाहिए मेरे पास। कुछ तो जवाब दूंगी ना मैं उन लोगों को। तो हमें लोगों को जवाब देने की क्या जरूरत है? तुम्हें जरूरत नहीं है, वो इसलिए कि तुम तो इश्क में गिरफ्तार हो, मगर मुझे खानदान के साथ चलना है। तुम मेरी कंडीशन नहीं समझ रहे, सब बेचैन होंगे कि मैंने अपने बेटे का रिश्ता किस खानदान में तय किया है। मैं ये तो नहीं चाहती कि उसके नाम कोई मुरब्बे हो, जायदाद हो, बस इतना चाहती हूँ कि लड़की इज्जतदार खानदान से हो। अच्छा ठीक है, फिर आप वहां चली जाएं और देख के तसल्ली भी हो जाएगी। अच्छी बड़ी फैमिली है अम्मी, खाते पीते लोग हैं, और क्या चाहिए? तुम्हें सब मालूम है, तुमने मुझे नहीं बताया। एक दो दफा मीरब ने मिलवाया था और मेरी एक फ्रेंड है जो उनको जानती है, उसने बताया काफी अच्छे लोग हैं। अल्लाह करे ऐसे ही हो। जी खैर मैं जरा अपना बैग लेने जा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में जाना है। ठीक है, सी यू गाइस लेटर। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बात कर लेंगे सर से, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं बाद में करता हूँ तुमसे बात। मीरब नहीं आया अभी तक? फोन पर बात हुई है, बस आने वाला ही है। चलो हाय दुआ, कैसी हो? ठीक हूँ। मुझे तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। किस बात की?
आखिरकार तुम जीत ही गई। आलिसन शान से तुमसे किसने बात की है? बात तो दुआ ने भी नहीं की तुमसे। वैसे हसन तुम मीरब की चमचागिरी बहुत अच्छे से कर लेते, जैसे तुम करती थी मारिया की। ओ प्लीज मेरे मुंह मत लगो, तुम्हें मुझसे बात करनी है ना? कर। मैंने तुम्हें मुबारकबाद देनी थी, आखिरकार तुम जीत ही गई। भाई इतनी मेहनत जो की है तुमने, रोना धोना, आंसू बहाना, बात बात पे नाराज हो जाना, मीरब को पा ही लिया आखिर तुमने। मेहनत तो तुमने भी बहुत की थी लेकिन नाकाम रही। एक बात कहूँ तुमसे, हवा में इतना उड़ो मत कि जब नीचे गिरो तो कुछ भी बाकी ना। शांति अब इस बहस को खत्म करो, तुम कभी मीरब को चाहती ही नहीं थी, तुम तो उसकी दौलत को चाहती थी और मीरब से तुम्हें मोहब्बत हो ही नहीं सकती। और तुम दोस्ती से पहले शांति, अब तुम हद से बढ़ रही हो और तुम औकात से गिर चुकी। ज़बान संभाल कर बात करो। मैं जो बात करनी है तुम कर चुकी। हाँ मुझे जो बात करनी थी वो मैं कर चुकी, अब जो मुझे काम करना है वो मैं करके दिखाऊँ। इंतजार करो। आप ही? हाँ? आज के लिए शुक्रिया। शुक्रिया? तुम्हें क्या हो गया, इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? हमने कभी एक दूसरे के लिए ऐसे वर्ड्स नहीं यूज किए। बात आपकी ठीक है लेकिन यू नो कभी कभार बोल देना चाहिए। मेरी तरफ से किसी को सॉरी बोल दोगे? किसको? हसन को और दुआ को। हसन को क्यों? मैंने उस दिन गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह दिया था। अरे नहीं आप ही, आप उसकी टेंशन ना लें। देखें वो माइंड क्यों करेगा, सबसे पहली बात तो ये है कि माइंड करने के लिए ना माइंड होने की जरूरत है जो हसन के पास नहीं है। और दुआ? दुआ से आप खुद बात कर लीजिएगा। हमारा एक प्लान है कि हम तीनों एक साथ लंच करेंगे आज, ठीक है? एंड यू हैव टू बी देयर। आइडिया बहुत अच्छा है लेकिन आज नहीं मीरा, आज मुझे बहुत काम है, मैं आज काम करूंगी। मैंने डिसाइड किया कि मैं आज नहीं जा सकती कहीं भी। सलमान भाई भी आ रहे हैं। आई थॉट सो। सी यू देयर। बाय। मीरब का पीछा हुआ का हो चुका यार अब वो। मैं तो आखिरी दम तक हार मानने वालों में से नहीं, और तुम चाहते हो कि मैं अभी से शिकस्त कबूल कर लूं। कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। वैसे मुझे एक बात बताओ, ये जो दुआ अपने ट्रीटमेंट के लिए जा रही है, ये मीरब की बहन के पास जा रही है ना? ये मीरब की बहन कहाँ से आ गई बीच में? एक बात बताओ, कोई साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाएगा अपनी ट्रीटमेंट करवाने? जब जब वो नफ्सियाती बीमार होता है। एग्जैक्टली। पर ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? कैसा ख्याल? मैं ये सोच रही हूँ कि दुआ साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही है अपना इलाज कराने, इसके पीछे जो वजह होगी ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, और वो वजह तुम जानना चाहती हो। एग्जैक्टली। आर यू श्योर? वेरी श्योर। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पता करवा लेंगे। डन। राहिल कैसे हो? कैसा नजर आ रहा हूँ आपको, क्या करने आई हैं आप? बहन की तरह मुझे थप्पड़ मारने आई हैं? नहीं राहिल, तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखने आई हूँ। कैसे जख्म? कौन से जख्म? अंदर बाहर जख्म ही जख्म। आखिर मैं जानती हूँ। क्या जानती हैं आप? क्या जानती हैं? कोई कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। अगर मैं किसी को कुछ बता सकूं
क्या नहीं बता सके तुम किसी को? क्या फायदा? कोई फायदा? मेरे भाई ने मुझे इतना मुश्किल फंसाया, मैं चाह के भी यहां से नहीं निकल सकता। मैं जानती हूँ कि आमिर भाई ने तुम्हें जानबूझकर फंसाया। क्या आप ये जानती हैं कि आपकी बहन के साथ जाती आमिर भाई ने की? मैं जानती हूँ राहिल, उसके बारे में एक एक इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन है, कहां रहता है, कहां से आया है, सब कुछ। कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। जी सर। हाँ जावेद, बोलो। ओ भाई, ये तेरी साली को क्या तजस्सुस है राहिल से? वो अच्छी तरह तो जानता है। लड़कियां होती ऐसी हैं, पलट कर थप्पड़ मारने की तो हिम्मत होती नहीं, लेकिन जवाब जरूर देना। ओ भाई, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। थे यार, क्या ठीक नहीं है? एक बार मिल ली है, दोबारा थोड़ी मिलेगी। अबे भाई, कुछ पता करने के लिए ना एक लम्हा भी बहुत होता है। मेरी बात हुई थी उससे, जब वो बाहर आई थी उसने मुझे सब कुछ बताया था, कोई खास बात नहीं। ओ भाई, मैं दुआ की बात नहीं कर रहा हूँ यार। तो फिर? मैं वो छोटी वाली की बात कर रहा हूँ। क्या नाम है उसका यार? फारिया? मैं फारिया की बात कर रहा हूँ। फारिया आई भी है राहिल से मिलने। राहिल से मिलने आई तो तूने उसे मिलने क्यों दिया? मैं समझा कि तूने भेजा। अभी जा, अभी जा और उन दोनों को अलहदा कर, कहीं कोई बात ना कर ले। हाँ, मैं करता हूँ। अब तो जानती थी। सब जानते। मैंने अपनी आंखों से देखा है सब। तो राहिल, तुम इतने अरसे खामोश क्यों रहे? मैं कहती है कि इंसान गलती का पुतला होता है, गलती कर बैठता है। यही फर्क होता है रिश्ते में और इंसान में। मुझे लगा कि आमिर भाई ने भी गलती की होगी। उस लव में उनके अंदर शैतान आ गया होगा। खुद इतना प्यार करते हैं आपसे, फरदबाजी से। तुम किसी का राज बेराज ना करने की वजह से खामोश रहे, और मैं अब मसलहत के तहत खामोश हूं। आपकी मसलहत मेरी जान से बड़ी है। नहीं राहिल, अगर तुम मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो, अगर मैंने किसी को यह बात बताई तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, और अगर यकीन कर भी लिया तो सच सच कभी भी कमजोर नहीं पड़ता। कभी कमजोर नहीं पड़ता भाई, इसमें इतनी ताकत होती है कि इस पे खुद ब खुद यकीन किया जाता है।
अगर राहिल की बहन का पसा बसाया घर बर्बाद हो जाता। आपको अपनी बहन की घर की पड़ी आप जाएं यहां से, जाएं घर जाके आराम करें। औरों की तरह आप भी मान लीजिएगा कि आमिर ने नहीं राही लिंक किया था। जाएं चले बीबी, मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। अभी मैं तो अभी आई हूँ। इंस्पेक्टर साहब के आने का टाइम हो गया है, जल्दी करें निकलें चलें। भाई मैं चलती हूँ, तो अपना ख्याल रखना। मुझे लगता था कि आदमी औरत की इज्जत पे हाथ डालते, लेकिन आज पता लगा कि औरत भी औरत की नब्ज पे पैर रख के चले जाती। चले बीबी, क्या तमाशा लगाया हुआ है, जल्दी करें। मिलाइयो राहिल सर। आज मैं उससे मिलकर और ज्यादा परेशान हो गई। क्यों, क्या कहा उसने? वो बेचारा क्या कह सकता, उसकी जबान से निकला हुआ हर अल्फाज तो झूठा साबित हो गया। फिर भी मुझे बताओ क्या हुआ है। बाद में खुद को उसका मुजरिम समझने लगी हूँ। तुम और कर भी क्या सकती हो फारिया, हर चीज पर तो सोच कर देख लिया, तुम बेबस हो। मैं बेबस नहीं हूँ फहद, मैं खुद गर्ज हूँ। सिर्फ अपने घर वालों की खुशियों के बारे में सोच रही, उनके सुकून के बारे में सोच रही, मगर राही उसका क्या कसूर है? उसका गुनाह ना होने के बावजूद भी वो आज सलाखों के पीछे है। तुमने उसके घर वालों का सोचा कि उनका क्या हाल होगा? क्या उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया? नहीं, मगर फहद जितनी बेरहमी से वो लोग उसे मार रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि जुर्म कबूल करने के अलावा राहिल के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन ये बात भी याद रखना फारिया, ये सब तुम्हारे आमिर भाई के कहने पर हो रहा है। जानती हूँ मैं। तो फिर ये भी जान लो कि उसका यहाँ से निकलना नामुमकिन है। जब तक वो अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता, यूं ही पिटता रहेगा। हाथ क्या, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम उसे कहो कि वो मान जाए कि ये सब उसने किया है, कम अज कम वो मार से तो बच जाएगा। वो कभी भी नहीं मानेगा। फारिया तुम उससे कहो तो सही। मगर इस तरह से तो आमिर भाई की जीत होगी ना, उनकी कामयाबी होगी ना। फारिया इस वक्त हमें किसी की कामयाबी नाकामी को नहीं देखना, बल्कि ये देखना कि राहिल के लिए क्या अच्छा है। मैं अगली बार जाऊंगी तो बात करूंगी उससे, अगर वो माना तो। मगर इसके बाद क्या ऑप्शन होगी हमारे पास? उसके बाद तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन होगा फारिया, या अपनी फैमिली या राहिल। तुम्हें इन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। अच्छा परेशान ना हो, चलो घर। हाँ हाँ चलो तुम लोग, वैसे भी आज तुम्हारी वैसे पहली दफा मुझे क्लिनिक बंद कर। मेरी वजह से? तो और क्या। अच्छा खैर छोड़े ना इन बातों को, एक छोटा सा फेवर कर दें, दुआ को अपने साथ लाए, मैं अपनी गाड़ी में हूँ। ठीक। नहीं नहीं, तुम दुआ को अपने साथ लेके जाओ। नहीं मैं आपके साथ चलूंगी। नहीं तुम मीरब के साथ आ जाओ, मैं अपनी गाड़ी में आ जाऊँ। ओके चल चल आ जाओ। क्या तलाश कर रही हो भाई? अरे मैंने एक कार्ड रखा था। किसका कार्ड? तलाश कर रही हूँ। वो जमाल है ना, उसका दामाद आमिर, वो अपना कार्ड देके गया था कि कभी भी कोई काम हो तो मुझसे रابطे में रहिएगा। कमाल है। अरे जड़ से तो वास्ता नहीं है, पत्तों से रابطे रखे जा रहे हैं। अरे आप तो रहने ही देना, मुझे तलाश करने दे, जाएं आप। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी, करो करो तलाश करो। रख दिया मैंने कार्ड, नहीं मिल रहा। सलमान भाई आ गए, मैं जरा लेकर आता हूँ। ओके एक्सक्यूज मी। दुआ जी। डॉक्टर रमशा, अब तुम भी मुझे मीरब की तरह रमशा आप ही बोल सकती हो। दुआ कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में
कहीं ना कहीं कोई खराबी जरूर होती है, कोई कमी होती है। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की जात है जी। कभी कभी हमें लोगों की पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही होती है, लेकिन उनकी सोच इमेच्योर होती है, कोई कमी होती है उनकी सोच में। मैं उन्हीं लोगों में से हूँ और उन लोगों में से भी हूँ जो सब कुछ हो जाने के बाद पछताते हैं। समझी नहीं मैं। मैं तुमसे अपॉलोजाइज करना चाहती हूँ। क्यों, बात के लिए? तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो दुआ, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। इनफैक्ट ये भी तुम्हारा खुलूस है कि तुम मुझ पे जाहिर नहीं होने दे रही। मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अगर तुम मुझसे नाराज भी हो, मुझे दिल से माफ कर दो। शर्मिंदा कर रही है, मत कर प्लीज। ये तुम्हारा जर्फ है, वरना शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। मुझे लगता है हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे लगे कि आप या मैं, हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे से नाराज है। थैंक यू सो मच। मैं जानती थी कि आप मुझे फोन जरूर करेंगे। अच्छा चलो फिर ये बताओ, क्या करती फिर रही हो तुम? क्यों, ये सब कुछ आप ही कर सकते हैं। मेरी बहन की बेहुर्मती, बेचारे राहील को बेगुनाह होने के बावजूद जेल में कैद करवा देना, ये सब बस आप ही कर सकते हैं। कर क्या रही हो तुम? बहुत जल्द पता चल जाएगा आपको। अच्छा चलो ये तो बताओ कि क्या करने वाली हो? बस आप देखते जाएं। देखो मैं तुम्हें एक बार फिर वार्न कर रहा हूं फारिया, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना ऐसी तबाही आएगी जिसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। मैं सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, बस आप अपने ऊपर गुनाह लेने के लिए तैयार हो जाएं। लगी है।